पिछले 8 दिनों से लगभग ये खड़ामुख के आगे होली की तरफ जाने वाली सड़क बाधित है भूस्खलन के कारण। उस स्थान पर भारी भूस्खलन हो रहा है जिसके कारण सारा ट्रैफिक बंद है। इवन पैदल भी वहाँ से आवाजाही संभव नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के और जो प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ कार्यरत है, उनकी सारी मशीनरी और मैन पावर वहाँ लगी हुई है, पर लगातार जो है ऊपर से पत्थर आने के कारण और मलबा आने के कारण वो काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। जो ताज़ा हमें अपडेट मिली है उसके मुताबिक कुछ जो रफ्तार थी मलबा आने की थोड़ी सी कम हुई है और पत्थर आने की, तो इस वजह से अभी काम पर लगे हुए हैं। तो अगर अनुकूल रहती है परिस्थिति तो कल या परसों तक ऐसा पीडब्ल्यूडी विभाग ने हमें ऐसी इंडिकेशन दी है कि वहाँ पर वो मलबा हटाने की पोजीशन में होंगे। पर जब तक ये पुल, ये जो रास्ता बंद रहता है, तब तक जो जो यहाँ की जो ट्रैफिक है वो लोग जो स्यूर पुल से एक ऑल्टरनेटिव जो हमारा रूट है वहाँ से चल रही है। पर वहाँ पर भी ऐसा खबर आई थी, क्योंकि लकड़ी का पुल है वो कमज़ोर पुल है, उसमें भारी वाहन जो है वो और जो लोडेड वाहन है वो वर्जित है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें कदम उठाने होंगे। तो हमने पुलिस को ये वहाँ पे डायरेक्शन दी है कि वहाँ पर जो राउंड द क्लॉक जो है गश्त की जाए ताकि कोई भी इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए और वो जो हमारे पास एकमात्र मार्ग है वो बाधित ना हो। आज से हमने बस सर्विस HRTC के माध्यम से भी शुरू कर दी है। टोटल 6 जो है वो राउंड टू एंड फ्रो, मतलब होली से गुरोला तक बस लगाएगी, सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 6:20 तक। उसका एक शेड्यूल हमने जारी किया है। तो आम जन के लिए सुविधा के लिए जो लोग भी बस के माध्यम से होली से गुरोला आना चाहें उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। और आगे भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो उसे आगे जो रोड है उस पर भी कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर संभव हो सकी तो उसका भी प्रयास जारी है। तो हमें आशा है कि जल्दी जल्द ये जो मार्ग है, जो मुख्य मार्ग खुल जाएगा, तो जो लोगों की परेशानी है वो उससे उससे निजात मिलेगी उनको। धन्यवाद।